नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा धानी ऐप के बारे में। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे, लगभग शायद 5-6 महीने बाद। और इस टॉपिक में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ इससे रिलेटेड, धानी ऐप से रिलेटेड, क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी टाइम से वीडियो बनाया भी नहीं था मैंने। और उसमें आपको याद होगा कि धानी का जो ओवरड्यू चार्जेस है वो काफ़ी लोगों का पेंडिंग था, मेरा भी पेंडिंग था। तो फाइनली आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो ड्यूज है वो जीरो हो गया है। किस तरह से आप अब देख पाएंगे और किस तरह से आप जो ड्यूज है उसको चेक कर पाएंगे, आपका भी वहां पे शो हो रहा है या नहीं, उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा फिलहाल जीरो हो गया है, वही चीज आपको यहां पर मैं दिखाने वाला हूं। तो देखिए, जैसे ही लॉग इन करेंगे नए वाले ऐप को, जो धानी ऐप है वो लगभग काफी तरह से चेंजेस हुए हैं। लास्ट वीडियो शायद मैंने बनाई थी जो ये पूरी तरह से शॉपिंग ऐप में ये कन्वर्ट हो गए हैं, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है उसके बारे में भी अब मैं धीरे धीरे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि जो ऐप है वो पूरी तरह से बदल चुका है, तो यहाँ पे देखिए जो होम पेज है, आप लॉगिन अगर आप अभी करते हैं तो वहाँ पर जो क्रेडिट फॉर शॉपिंग है वहाँ पर आप चले जाइए, और क्रेडिट फॉर शॉपिंग वाले ऑप्शन में आप देखेंगे ड्यूज ओवरव्यू, वो आपको दिख रहा होगा। तो व्यू डिटेल पे आप चले जाना, तो वहाँ पे जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन दिख जाएंगी, जो भी आपने इससे पहले वाले में आपने यूज किया होगा धानी ऐप को, और वहाँ से जो धानी ऐप में पहले क्रेडिट लिमिट मिलती थी उसको आप यूज करते थे, तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो मेरी तीन ट्रांजेक्शन मैंने किया था, एक 900 का, एक 1500 का और एक 680 रुपए का, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और वही वाला जो अमाउंट है ये तीनों मैंने पेमेंट कर दिया था, कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं एक्स्ट्रा थे। और वहाँ पे जो ड्यू नाउ आप देख रहे हैं वहाँ पे अब जीरो हो गया है, और ड्यू समरी में ड्यू नाउ में जीरो है, पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन क्योंकि जीरो है तो वहाँ पे आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं अपना ड्यू जो पहले पेंडिंग रहा हो और धानी में ओवर ड्यू चार्जेस लग रहे हों, कंटिन्यू वो मंथ वाइज लगते ही चले जा रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया था। कई लोगों ने भी छोड़ा होगा कि देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि वो सबको लग रहा था कि वो अपने आप ही चार्ज करते हुए चले जा रहे हैं और उस अमाउंट को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो मेरा भी लगभग काफ़ी अमाउंट हो गया था, 1200-1300 रुपए से ऊपर का ही अमाउंट वो हो गया था, और जो उसमें मंथली बेसिस पे वो बढ़ता था अमाउंट, तो उसको मैंने छोड़ दिया था। तो अभी फिलहाल जब से ये अपडेट हुआ है, नए तरह से ये ऐप हुआ है, तब से यहाँ पर मैंने देखा है कि तब से क्या मतलब, 2-3 बार बीच में भी मैंने देखा था, और फिर मैंने सोचा काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई है तो देखते हैं कि धानी ऐप में क्या चल रहा है। तो वहाँ पर फिलहाल अभी जो ड्यूज था पहले वो आप देख रहे होंगे जीरो हो गया होगा। एक बार जल्दी से और बता दूं, मुझे लगता है बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको ये देखना है कि आपके जो पुराने ड्यूज हैं वो क्लियर हैं या नहीं। जो ऐप है उसमें यहाँ देखिए क्रेडिट फॉर शॉपिंग में चले जाइए, लॉगिन करने के बाद अपने ऐप को लॉगिन होगा, आपके नंबर से ओटीपी के जरिए लॉगिन हो जाएगा ऐप में, पहले अकाउंट आपने बनाया था तो वहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएगा। वहीं ऊपर ड्यू नाउ पे देख रहे होंगे जीरो आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पहले ड्यूज थे धानी ऐप में वो आपका सब जीरो हो गया है मेरे हिसाब से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही धानी के बारे में। बाकी अभी कई सारे इसमें अपडेट्स हैं और ऐप में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ पूछना है या मेरे से कुछ रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, पहले नॉलेज या प्रैक्टिकल फिर वीडियो। नमस्कार।